सर, ये मराठा आरक्षण का इशू, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे प्ले आउट होने जा रहा है? अब बीजेपी चाहेगी कि हम दे दें और क्रेडिट हमको मिल जाए, आंदोलन कम्युनिटी ने खड़ा किया है, और जो हम लोग बाहर से देखते हैं महाराष्ट्र के बाहर वाले, उनको लगता है कि सबसे अच्छी साधन संपन्न कम्युनिटी रिजर्वेशन क्यों मांग रही है? इसमें बात ऐसी कि लोगों को ठीक तरह से महाराष्ट्र की ये सोशल सिचुएशन मालूम है। ये बात सच है कि राजनीति में कई जगह पर मराठा कम्युनिटी के लोग जगह जगह पर है, कोई भी पार्टी हो, मगर टोटल पिक्चर आप देखेंगे। अभी एक महाराष्ट्र में एक बात बड़ी सीरियस है, किसानों की आत्महत्या। किसानों की आत्महत्या में मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन आगे है, यानी 50% के आसपास जो किसान आत्महत्या करते हैं इसमें मराठा है। एक तो होल्डिंग बिलो 2 acres 28% आर मराठा, दोज हु गॉट होल्डिंग बिटवीन 2 to 5 इसमें कोई 50% मराठा है, और 10 acres से नीचे वाले इसमें भी 50% मराठा है, और इसमें 60% खेती को, एग्रीकल्चर को एश्योर वाटर नहीं है। इरेटिक रेनफॉल उनकी खेती निर्भर रहती है, और इसका सबका असर ये हो गया है कि वहाँ एक तरह की गरीबी है। जो नौजवान लड़के कॉलेज में पढ़ते थे, इनमें से कई लोगों को अपनी शिक्षा डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, कुछ लोगों ने आत्महत्या तक वहाँ ध्यान दे दिया, और इसका एक टोटल इम्पैक्ट, क्योंकि कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है मगर मेजर सेक्शन ऐसी स्थिति में है, और इससे यह आरक्षण की बात शुरू हो। आरक्षण के लिए किसी का विरोध नहीं है, बाय एंड लार्ज मेरा जहाँ तक कहना है कि वे आरक्षण की बात जरूर दीजिए, मगर देते समय आज संविधान के आधार पर SC ST OBC उनको जो आरक्षण मिल रहा है उसको धक्का नहीं लगाना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, वो फोर्टेक करके जो बाकी है इसमें उनको देने के लिए कयास करने की आवश्यकता है। अच्छा, वो देते समय भी आप क्रिमिनल लाइए वहाँ कि सफर शरद पवार बिलोंग टू मराठा कम्युनिटी, इनके लड़के को उनके फरियाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसी स्थिति के जो लोग हैं उनको मत दे दो, मगर जो बाकी जो मेजर सेक्शन गरीब है उनको देने की आवश्यकता है, और इसीलिए इसको एक तरह का समर्थन मिल रहा है। पिछले 2 सालों में मराठा कम्युनिटी ने विदाउट एनी पोलिटिकल पार्टीज एसोसिएशन डेमॉन्स्ट्रेशन किए, 58 places पर लोगों ने प्रदर्शन किया कि जिसमें 50,000 से 2 लाख लोग तक मौजूद थे, और यह 58 जगह पर जो हुआ इसका एक स्पेशलिटी ये थी, कहीं भी कानून किसी ने हाथ में लिया नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, बहुत ही यूनिक था, यूनिक था। और इसलिए ये सब कहने के बाद करने के बाद साल डेढ़ साल में कुछ हुआ नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 स्टेटमेंट लिए थे चुनाव से पहले, एक शेफर्ड कम्युनिटी के लिए, धनगर के लिए, कि हमारी हुकूमत आने के बाद पहले कैबिनेट में हम धनगरों को आरक्षण की जो उनकी मांग है वो पूरी करेंगे, और मराठों को जो डिमांड है वो हम 100 दिन में पूरी करेंगे। 100 दिन गए, 4 साल गए, इतनी डेमोन्स्ट्रेशन शांति से की, ये सब हुई, वो ख़त्म हुई, और ये करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन नई पीढ़ी में आ गई, और इसका एक रिजल्ट आज जिस तरह से स्थिति हमें देखने के लिए पड़ती है इसमें आ गया। और मेरा साफ अपील है इन सभी लोगों को कि आपकी डिमांड ठीक है, समझ सकते हैं, इसके बारे में कुछ करना है तो करने की ये कोशिश तो की अलग गलत नहीं है, मगर कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। शांतिपूर्ण जो आपकी स्पेशलिटी थी वो आपने छोड़ दी आप में से किसी ने, तो इसमें आपकी बदनामी हो रही है, आपका आंदोलन के बारे में लोगों की सोच बदल रही है, तो ये मत करिए। आप किसी के मन में एक आशंका पैदा हो जाएगी ऐसी स्थिति में करो। महाराष्ट्र ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए
इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए कोशिश कई सालों से की। यशवंतराव चव्हाण साहब जब थे 1960 से, तब से हम सब लोगों ने इस पर ध्यान दे दिया। आज वही औद्योगिक जो वेल्थ है, चाहे पूना का नज़दीक का ताकन हो या औरंगाबाद हो या और कोई जगह पर, वहाँ इंडस्ट्री पर हमले हो गए, इसका गलत संदेश जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट ख़राब हो जाएगा, यह नौजवानों को जो नौकरी मिलती है इसके रास्ते में रुकावट आएगी, और इसलिए इस रास्ते से मत जाओ। आप शांतिपूर्ण जो इससे पहले आपका रास्ता था उसी रास्ते से आप करो, इसमें किसी की तकलीफ बिल्कुल।